जयशंकर बोले, भारत का विकास इंडियन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की गहराई से जुड़ा। द कश्मीर फाइल्स को IFFI ज्यूरी हेड ने बताया वल्गर और प्रोपोगेंडा। अनूप खेर बोले, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। लखनऊ में सपा पार्टी के प्रवक्ता का बड़ा बयान, बीजेपी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई। लखनऊ में विकास प्राधिकरण का आयोजन, महीने के अंतिम मंगलवार को आयोजन होगा। रायबरेली में मानसिक विक्षिप्त महिला का मिला शव, पेड़ से लटका मिला शव। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गुजरात के लूनावाड़ा में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में आस्था का सम्मान हो रहा है। तो वहीं सीएम ने आगे कहा कि पीएम के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है और आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। खबर लखनऊ से है, जहां शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के समाधान के लिए गोमती नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, यह प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के विषय पर भाजपा की नीयत में खोट है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट घोटाले को 8 साल तक क्यों दबा कर रखा गया और अभी तक जांच क्यों दबी रही। जो भ्रष्टाचारी थे वह सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए। जनता को भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है, भ्रष्टाचार हुआ इसमें कोई दो राय नहीं, जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में, भाजपा की ईमानदार नीयत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड और वाई सिक्योरिटी में नहीं होते। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुंडवल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मानसिक विक्षिप्त महिला का पेड़ से लटका शव मिला। क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, मानसिक विक्षिप्त महिला थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। कुंडवल, क्या घटना हुई है? फांसी लगाया है, मेंटल डिस्टर्ब थी। कौन है ये? राम सेवक की पत्नी है। इन्होंने फांसी लगाई है जी? ये इनकी पत्नी राम सेवक हैं, ये इन्होंने फांसी लगाई हुई है। कहाँ पे, कौन सा गांव है? लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि CBI ने सरकार से शिवपाल यादव से पूछताछ की अनुमति मांगी है। बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई, इसलिए इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव डरने वाले नहीं है, ना ही झुकने वाले हैं। को हावी करना चाहती हूँ। जो नेता, पत्रकार, पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और जिस तरीके से CBI ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से,
वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल यादव जी झुकने वाले नहीं है, डरने। कानपुर में प्रेम नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय मॉडल आईबीटी संस्था के अनुदेशक के शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि कक्षा पांचवी के छात्र ने दो का पहाड़ा नहीं सुनाया तो अनुदेशक ने हाथ में ड्रिल मशीन चला दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। वहीं छात्र के हाथ में चोट देकर अभिभावकों ने स्कूल में आकर हंगामा किया। हंगामा होने पर उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। गाजियाबाद में वैशाली मैक्स हॉस्पिटल में नाक का ऑपरेशन कराने आया इंटर का छात्र आंख की रोशनी गवा बैठा, तो वहीं छात्र की आंख की रोशनी चले जाने पर परिवार सदमे में है, जिसके बाद परिजनों ने मैक्स हॉस्पिटल में हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो कान की कोई दिक्कत नहीं बताई थी डॉक्टर आपने, और नोट थे नाक में दिक्कत है, उसके साथ लेने में दिक्कत होती है, इतना पेटन हो गया। उन्होंने पेटन तल दिया, हमने ये लौटा था बच्चे चलो पेटन तला रहे थे, बढ़िया है दीदी ने बताया था है। तो हाथ में दिक्कत आ रही, अब ये नहीं पता चित्ता डर ये क्या था, उन्होंने मामला ये है। कल सुबह हम 8 बजे मैक्स में आए थे, हमारे भाई की उसकी नोज की सर्जरी थी, सर्जरी के लिए ओटी में लेके गए। ओटी के आने के बाद उसे 15 मिनट बाद लेफ्ट आई से दिखना बिल्कुल बंद हो गया, तो ये घबराहट में दोबारा ओटी में लेके गए, फिर दोबारा बेहोश करके दोबारा ऑपरेशन किया, क्योंकि इनसे सर्जरी में कोई मिस्टेक रह गई थी। फिर उसे बाहर लेके आए, वो इंजेक्शन के नशे में था, उसने बोल दिया कि मुझे दिख रहा है, पर थोड़ी देर 2 घंटे बाद ही उसे लेफ्ट आई से दिखना बिल्कुल बंद हो गया, और डॉक्टर ने हमें 2 घंटे बाद ये जवाब दे दिया कि इसकी लेफ्ट आई की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। फरीदाबाद के गांव जूनेहेड़ा में खेत में एक शख्स की अधजली लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक युवक बीपीटीपी इलाके में दुकान चलाता था। मृतक की पहचान रविंद्र की शक्ल में की गई है। बता दें कि रात को मृतक रविंद्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। वहीं ग्रामीणों ने जब युवक की लाश को देखा तो हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया में बीती रात डीजल लेने गए एक किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के 3 लोगों पर लगाया है। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और वहीं लोग शव को फफूंद दिबियापुर मार्ग पर रख आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा करने लगे, जिसकी जानकारी पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। सर राजकुमार आपके कौन थे? देवर। कैसे क्या हुआ, किन लोगों ने मारा? नरेश ने, नरेश के साले, नरेश के लड़का। कहाँ रहते हैं ये लोग? साले अजमतपुर में। नरेश कहाँ रहते हैं? उधर रात पास में मेरे दो घर बीच में। उनसे कोई विवाद था? हाँ, खेत को विवाद था साहब। कितने सालों से चल रहा है? अरे 3 महीना भाई छेड़खानी लगवाया तो इन लोगों पे। ये कल रात को करीब 2 बजे के आसपास पुलिस ने सूचना दी थी कि पुलिस गई और बच्चा सब का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम पंचायत थानों की कार्रवाई कराई गई आज, और उसमें FIR भी हम लोगों ने जो पहले दी है और विवेचना की जा रही है। आज इनके परिवारिक जन शायद दिव्यापुर के पास एक जगह है चौराहा, वैशुंधरा चौराहा, वहाँ पर 10-15 मिनट डेड बॉडी को रखकर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की तेज आवाज से परेशान होकर बजरंग दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और
एसीएम सुधीर कुमार को एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने जिले भर में अज्ञात के वक्त अजान के वक्त हो रहे तेज आवाज को कम करने की मांग की है। देखिए प्रदर्शन है हमारा लाउड स्पीकर होने वाली अजान के नाम पर, और हमारी मांग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं अलीगढ़ में जहां दो दो तीन तीन किलोमीटर तक मस्जिदें नहीं हैं वहां पर अजान की आवाज़ सुबह शाम क्यों आती है? मैंने स्थानीय पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, उन्होंने मेरे को भरोसा भी दिया कि ये बंद होगी, लेकिन ये बंद नहीं हुई। इसलिए हम एक प्रतिनिधिमंडल संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से यहाँ अपर जिला अधिकारी से मिलने आया है और हमारी मांग है कि इस अजान को वो पूरी तरह से बंद करें, और हमें प्रशासन पर विश्वास भी है कि प्रशासन ये करेगा। ये बजरंग दल बजरंग बल महानगर हरिगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक ज्ञापन इस आशय का सौंपा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जो अजान मुस्लिमों की अजान होती है इसमें एक निर्धारित सीमा तक जो निर्धारण किया गया है उस पर ही उसकी फ्रिक्वेंसी रहे आवाज़ की, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ज्ञापन के माध्यम से कि आवाज़ तेज है और उसको संयमित और सीमित रखा जाए जो न्यायालय का आदेश है, तो उसके तहत ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुंचाया जाए। देवरिया में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि साइबर सेल द्वारा 108 गुमशुदा मोबाइल को बरामद किया गया है जिनकी कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है, और ये सभी मोबाइल फोनों को लोगों को सौंप दिए गए जिसे पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।